नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई कॉलेज में कुलपति की नियुक्ति न होने के कारण कॉलेज में बच्चों को हो रही परेशानियों को देखते हुए एनएसयूआई के विवेक त्रिपाठी ने राजभवन के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि विगत वर्षों में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार, अवैधानिक कार्य एवं शिक्षा के गिरते स्तर का प्रतीक बन रहे हैं। इंदौर विश्वविद्यालय स्तरहीन होते जा रहे हैं। क्षणिक वातावरण से अपनी पहचान एवं प्रतिष्ठा दिनों दिन खोता जा रहा है। विद्यालय में परीक्षा की कॉपियां खो जाना, मूल्यांकन केंद्र पर पुनर्मूल्यांकन में हजारों विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बदलना, प्रवेश के पूर्व प्रशासन में डीमैट जैसे घोटालों की याद दिलाते हैं। राज्यपाल महोदया की हठधर्मी की वजह से आज मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। धारा 52 लगाने के बाद से इंदौर विश्वविद्यालय में 25 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कुलपति की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? बार बार जब शासन अपनी तरफ से नाम भेज रहा है तो माननीय राज्यपाल महोदय उस फाइल को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती है? तो आज इसी अनुरोध के साथ हम यहाँ पे आए हैं कि माननीय महोदय विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद करें और तत्काल प्रभाव से वहाँ पे कुलपति महोदय का चयन करें, ताकि जिस तरीके से 17,000 बच्चे वहाँ पे अपने एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, हायर डिग्रीज के लिए बच्चों के पास अभी डिग्री अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इन सारी समस्याओं को त्वरित खत्म करने के लिए वहाँ पे कुलपति महोदय का चयन होना अति आवश्यक है। राजभवन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजभवन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री न्यायालय की शरण में है। वहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। जिस तरीके से बार बार महोदया फाइल को रोक लेती है या उस पर कोई भी डिसीजन नहीं करती, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के छात्रों से माननीय महोदया को कोई भी लेना देना नहीं है। वो विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना चुकी है और ऐसे दागियों को बचाने का प्रयास कर रही है जिनने पहले विश्वविद्यालय को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, छात्रों के खिलाफ में काम किया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।